छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है स्वाइन फ्लू का खतरा। स्वाइन फ्लू के 4 नए मरीज जो है वो सामने आए हैं। 2 महीने में 3 मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में मरीजों की संख्या अब 100 तक पहुंच गई है। रायपुर, दुर्ग, कवर्धा, बलौदाबाजार में सबसे अधिक मरीज जो है वो सामने आए हैं। तो छत्तीसगढ़ में देखिए अब स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है, स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बाद अब स्वाइन फ्लू जो है वो दस्तक दे चुका है। प्रदेश में मरीजों की संख्या अब कुल 100 हो गई है। रायपुर, दुर्ग, कवर्धा, बलौदाबाजार में सबसे ज्यादा अधिक मरीज जो है वो मिले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, स्वाइन फ्लू का खतरा जो है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है और कुल कितनी संख्या हो गई है वहां और कितनों की मौत की संख्या जो है वो सामने आई है? बिल्कुल, देखिए कोरोना के बाद स्वाइन फ्लू अब लोगों को एक तरह से डरा कर रखा है और स्वाइन फ्लू के मामले रोज़ाना 4 से 5 नए नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 2 महीने में अगर हम देखेंगे तो 100 स्वाइन फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। इन जो मरीज हैं, इन 100 जो नए मामले हैं उनमें जो मरीजों की पुष्टि हुई है, इन मरीजों में जो है ज़्यादातर 40 से 60 वर्ष के मरीज भी देखे गए हैं और इसके साथ ही बच्चों में भी स्वाइन फ्लू के लक्षण देखे गए हैं, जिसको देखकर जो है राज्य एपिडेमिक कंट्रोल द्वारा इस पर और भी सतर्क बरतने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि बच्चों में भी इस तरीके के जो है लक्षण वो स्वाइन फ्लू के देखे जा रहे हैं। मौत की यदि हम बात करते हैं तो 2 महीनों में 3 मरीजों की मौत जो है वो स्वाइन फ्लू से भी हुई है। इसमें रायपुर, दुर्ग और कवर्धा की एक छोटी बच्ची की भी जो स्वाइन फ्लू से मौत हुई थी, तो 3 मौत के मामलों की भी पुष्टि हुई है। राजधानी रायपुर से ही अकेले 55 मामले हैं। सबसे ज़्यादा अगर स्वाइन फ्लू से कोई जो जिला प्रभावित है तो वो रायपुर है। रायपुर से जो है 55 स्वाइन फ्लू के मामले हैं, जिसमें अभी रायपुर के निजी अस्पतालों में 25 एक्टिव मरीजों का इलाज भी चल रहा है। कोरोना को तो लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को ये हिदायत दे रहा है कि सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि मौसमी बीमारियों के जो लक्षण होते हैं वही स्वाइन फ्लू के मामलों में भी देखे गए हैं और इस तरीके के जो लक्षण है वो स्वाइन फ्लू से जो है वो गंभीर अवस्था में लोग भी आ रहे हैं और अभी भी अस्पतालों में भर्ती जिनका इलाज चल रहा है। खासतौर से निजी अस्पतालों में ही स्वाइन फ्लू की जो है सुविधा दी गई है इसके इलाज की। सरकारी अस्पतालों में इसकी टेस्टिंग की सुविधा भी लोगों को नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इससे भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में भी जो है स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि जुलाई और सितंबर से जो इस बीच का जो समय होता है वो बारिश और नमी वाला मौसम होता है और इसी नमी मौसम में जो है इस तरीके के गंभीर लक्षण वाले मामले सामने आते हैं, तो स्वाइन फ्लू के लिए आने वाला समय और खतरा भी साबित हो सकता है। बिल्कुल नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे खबरों की अपडेट लेते रहेंगे।